स्वरूप से भारत के प्रधानमंत्री और जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी मंच पर उपस्थित, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी, श्रीमान वेंकैया जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री और राज्यसभा में पक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी, मंच पर उपस्थित सभी मुख्यमंत्री गण और कार्यकर्ता बंधु भगिनी और देश भर से आज के कार्यक्रम में बधाई हुए कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज आप सबको मालूम है यह 9 अगस्त आज के दिन महात्मा गांधी ने देश को भारत अंग्रेज भारत छोड़े को नारा दिया और इसके चलते देश में एक आजादी के आंदोलन में बड़ी गति आई। लेकिन आज के दिन मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूँ जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक एक बड़ी लड़ाई भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी। उन सभी को याद करके उनको विनम्र श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि पार्टी के नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया है, मेरी क्षमता में भरोसा किया है और आप सबने इसका अनुमोदन करकर मुझे भारत भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दिखा है। इसको मैं मानता हूं कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का सम्मान है, बूथ पर काम करने वाले हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मैंने मेरी यात्रा एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बूथ समिति से शुरू की थी और वहां से अनेक पड़ाव पार करते करते आज मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं चाहता हूँ कि अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें संपर्क महाराष्ट्र से ज्यादा पार्टियां देश में राजनीतिक क्षेत्र में काम करी और सभी पार्टियों में अगर हम एक एक पार्टी को देख रहे तो सभी पार्टियों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष या वो घराने से बनते हैं या वो अकस्मात से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए मौका उपलब्ध है, वो हम सबके लिए गौरव की बात है। आज की परंपरा नहीं है, पार्टी जब से बनी तब से चाहे अटल जी हो, अडवाणी जी हो, जोशी जी हो, नितिन गडकरी जी हो, वेंकैया जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, सब के सब कोई विशिष्ट घराने में पैदा नहीं हुए ना उनके पीछे ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, मगर सब लोग कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता नाले काम करते करते यहाँ तक पहुंचे थे और इसीलिए आज हमारी पार्टी 1950 से लेकर आज तक की यात्रा संपन्न करकर ये दिन देखने को हमारी पार्टी को मिला है कि संपूर्ण बहुमती के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ध्वज होकर जो कई कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन इस मिशन के लिए लगाए, कुछ कार्यकर्ताओं के तो नसीब में भी नहीं हुआ एक दिन देख पाए। आज भी जब देखते हैं कार्यकर्ता रोड पर पोस्टर लगाता है और आयु 50 या 60 से आगे है, उसके मन में क्या अपेक्षा, उसके मन में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है, उसके मन में एकमात्र अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने, यशस्वी बने और उसके माध्यम से इस देश का कल्याण हो, यही कल्पना लेकर वो कार्यकर्ता काम करता है। और जब मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, उस वक्त देश भर के करोड़ों करोड़ों गरीबों ने इस पार्टी को अपने साथ जोड़ देश के गरीबों की भावनाओं को इस पार्टी के साथ जोड़ देश के गरीब को लगा
कि हमारे बीच में से निकला हुआ एक व्यक्ति, चाहे बेचने वाला एक व्यक्ति, गरीब के घर में पला हुआ एक व्यक्ति, कहीं और बड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक छोटा कार्यकर्ता बनते बनते देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक कर सकती है, आइए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। और मित्रों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी के रूप में अब एक नए परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, यह पार्टी एक आंदोलन है, विचारधारा इसका प्राण है और कार्यकर्ता इसका हालत है। मेरे कहा कि मेरा अध्यक्ष बोलना एक कार्यकर्ता का नाम किसी संस्था का सम्मान है, कोई अमेरिका का सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता इंस्टीट्यूशन का सम्मान है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मित्रों, मुझे मेरे मार्गदर्शन करेंगे, मेरे सहयोगी मेरे साथ रहेंगे और मेरा कार्य करता रहा, मेरा साथ देंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मित्रों, ये भी मारा जाने में खुशी से यह कहना चाहता हूं। गत चुनाव में नरेंद्र भाई को हमने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया और माननीय राजनाथ जी को पार्टी का अध्यक्ष पद दिया। इन दोनों की इस जोड़ी ने कई पड़ाव पार करते हुए, कई चुनौतियों को लांघते हुए, अनेक चढ़ाव का देखते हुए 7-8 महीने का ये लंबा चुनावी अभियान पार कर भारतीय जनता पार्टी को यह जिला है। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि सब लोग हमारे स्थान पर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों नेताओं का अभिनंदन करें, दोनों नेताओं का स्वागत करें। यही बात बोली है मित्रों, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ता का सपना टूटा दिया। मित्रों, ये चुनाव सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र था कि जनता को चाहिए था अपनी विकास भूख को संतोष कर सके, ऐसा ही निकला। अपने विकास की भूख को संतोष कर सके, ऐसा ही निकला गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव का नेता बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसके कारण लोगों के मन में जो आशा थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अपने आप में ऐसा ही है इसके पीछे 12 साल की तपस्या का, इसके पीछे बल है। मित्र नरेंद्र भाई लोग गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त देश भर का एक चित्र ऐसा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, यूपीए की सरकार आने के बाद जिस तरह की अव्यवस्था देश में शुरू हुई, उससे देश की जनता का भरोसा टूट गया था कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी कल्याण का राज्य स्थापना हो सके। ये भरोसा देश की जनता को हो गई और गुजरात देश के गवर्नर ने नरेंद्र भाई ने 12 साल तक सरकार चलाई और धीरे 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 गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चित हुआ। और गुजरात मॉडल के कारण एक भरोसा देश में खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो सरकार इस तरह से चली कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है तो देश में सुशासन रहा। नरेंद्र मोदी ने कैसे देखा है जो देश को कल्याण राज्य दे सकते हैं, इसके कारण ही मित्रों हमारे देश की जनता ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है। मित्रों, जनता के मन में जो कुशासन के प्रति, महंगाई के प्रति, असुरक्षा के भाव के प्रति, सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो रही उसके प्रति जो आक्रोश था, उसको सफलतापूर्वक हमने बातचीत करने का काम किया। हमारे चुनाव अभियान ने लोगों के आक्रोश को एक आशा में परिवर्तित किया और आशा को मत में परिवर्तित किया और मत को सीट में परिवर्तित किया। हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस काम को बूथ पर दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हो या हमारी सैद्धांतिक भूमिका के समर्थन में ट्विटर या फेसबुक पर लड़ाई लड़ने वाला कोई सहायक हो,
किसी ने अपने धन्यवाद के पत्र पे सब लोगों ने समाज जीवन के कई लोग कई संस्थाएं कई नेता अपने आप भारतीय जनता पार्टी के अभियान के साथ जुड़े और मानव भारतीय जनता पार्टी के विजय का अभियान भारतीय जनता पार्टी का नरेश हुए समाज का एक अभियान बन गया और अंत तक का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मित्रों, मैं इस मानता हूँ कि हमने जो नारा दिया अपनी भारत की सरकार वो नारा को जनता ने से स्वीकार। मित्रों, इस प्रचार अभियान का अगर एक कार्यकर्ता के नाते हम एनालिसिस करें तो कई नई प्रचार जो नई तरह तौर तरीके हमने अपनाए चाहे पे चर्चा हो या टीवी से सफाया हो या अलग प्रकार की कई बातें हमने अपनाई इसके कारण इस प्रचार अभियान को मित्रों माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद एक अथक प्रयास उन्होंने जनता के अंदर जागरूक दिलाने का किया उसको थोड़ा आंखों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद 437 बड़ी सभाएं हैं जिसको मोदी जी ने संबोधित किया। कुल 5827 जनसंपर्क अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया और 25 लाख किलोमीटर की यात्रा कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। मित्रों, मैं मानता हूं सारा कार्यक्रम हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ा जनसंपर्क है। ये बहुत बड़ा किसी भी देश के नेता ने इस तरह का जनसंपर्क अभियान नहीं करा। अभियान के बाद जय कई हिस्सों में पार्टी को मजबूत करना अभी बाकी है, पार्टी को पहुंचाना अभी बाकी है। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा मगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं देश की जनता का हृदय पूर्वक और बड़ी विनम्रता से आभार मानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, इसलिए मैं देश की जनता का आभार मानता हूँ। मित्रों, सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी हमारे साथ जुड़ गई। मैं आज इस मंच पर से उन संस्थाओं का भी हृदय से आभार मानना चाहता हूँ और विशेषकर विचार परिवार के इस अभियान को अंजाम देने के लिए हमारे साथ शायद हमसे भी ज्यादा मेहनत करके जुड़े थे। मैं आज इस मन से उन सभी संगठन और उस संगठन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार मानता हूं। मित्रों, चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो बहुत सारे नए कीर्तिमान देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बना। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिले हैं जो अब तक के चुनावी इतिहास में किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार और गैर कांग्रेसी दल को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट। मित्रों, हमें गौरव होना चाहिए 31% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी वोट पाने वाली पार्टी बनी है। और गठबंधन की बात करें तो 38% वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अर्जित किए हैं। मित्रों, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, गोवा जैसे राज्य और दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ जैसे केंद्र प्रशासित प्रदेश तथा दिल्ली में लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक भी सीट किसी और दल को नहीं मिली है। मैं मानता हूं शायद ही किसी कोई और बार इस तरह का जन आदेश किसी पार्टी को मिला। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल कह सकते हैं कि 7 दशक में अखिल भारतीय पार्टी बनी। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व देश की संसद में न करता हो। सारे देश में हमारे प्रतिनिधियों को मौका दिया है कमल का फूल हर जिले से हर राज्य से खिलाकर देश में भेजा है, इसका हमें गौरव होना चाहिए। मित्रों, जहां तक मत प्रतिशत का सवाल है, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने 50% से ज्यादा वोट पाए हैं। छत्तीसगढ़,
दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने 40% से वोट पाए, ज्यादा वोट पाए मित्रों। उसमें दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुकोणीय जंग के अंदर 40% वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाकर एक रिकॉर्ड बनाया है मित्रों। उत्तर प्रदेश और आसाम और राजस्थान में वोट प्रतिशत की वृद्धि 20% से भी ज्यादा रही। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाया है इसकी बात मैंने कही। 130 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव अभियान में, इस चुनावी समर में 14 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। एक भी सांसद इन 14 राज्यों से कांग्रेस पार्टी का मित्र चुनकर नहीं आया। इस जनादेश ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया बल्कि कांग्रेस के पास से विपक्ष का स्टेटस भी ले लिया है। इस जनादेश ने कांग्रेस पार्टी को इतना छोड़ा मित्रों, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। देश के राजनीतिक इतिहास में स्वाधीनता के बाद जन्मा एक नेता पहली बार देश का प्रधानमंत्री बन रहा है और आने वाले दिनों में नए विचार के साथ आए हुए हमारे नेता देश को एक नई दिशा दिखाएंगे, उसका मुझे विश्वास। मित्रों, 2014 के परिणाम ये घराने शाही और परिवारवाद का पराजय है। जितनी भी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां थी वो सभी को जनता ने परास्त किया है और काटे बेस भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे। और मित्रों, 2014 के चुनाव वो तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने पड़ा थे। जिन पार्टियों ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करते करते जनादेश पाने का प्रयास किया था उन सभी पार्टियों को जनता ने दरकिनार किया है और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास इस सूत्र को जनता ने स्वीकार कर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मित्रों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे पहली ऐसी पार्टी बनी है जो पूर्ण बहुमत के साथ देश के परम शासन करने जा रही है। मित्रों, आज हम इस पार्टी के इतिहास के ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। उस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि हमारा पार्टी का आधार ही क्या है। मित्रों, जब 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई या बाद में 1980 में जब पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनर्जन्म हुआ, दोनों घटनाक्रमों में मूल कारण विचार है। आजादी के बाद जब देश के अंदर सरकार बनी, नए आजाद देश की नीतियां बनने लगी, तब हमारे नेताओं को लगा कि नीतियों की नींव पाश्चात्य विचारों से प्रभावित है। ये नीतियां अगर आगे पर चली तो बड़े दुष्परिणाम होंगे और इस नीतियों पर देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसी पार्टी बने जो इस माटी की सुगंध लेकर खड़ी हो, एक ऐसी पार्टी बने जिसकी नीति इस देश की संस्कृति से पनपी हो, एक ऐसी पार्टी बने जिसकी नीतियों में इस देश की समस्याओं का समाधान हो, जिसके कारण ही 1950 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में जब इस नीतियों पर खड़े रहने की बात आई तब 1980 में जनता पार्टी को छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का मित्रों जन्म हुआ। आजादी के बाद हमारी यात्रा 1950 से लेकर 2014 तक चली। यात्रा ने कई पड़ाव हासिल किए हैं। 1950 से 1980 तक एक व्यापक राजनीतिक विरोध का सामना हमारी विचारधारा ने करना पड़ा। जनता के अंदर हम हमारी विचारधारा को समझा नहीं पा रहे, ना उसकी स्वीकृति चुनाव में मिलती थी। 1980 के दशक के बाद धीरे-धीरे हमारे विचार की स्वीकृति मिलना शुरू हुई और हम कई जगहों पे जन स्वीकृति प्राप्त करने लगे। 90 का दशक था हमारे विचार के सम्मान। 90 के दशक में हम कई जगह पे बड़ी संख्या में चुन कर आने लगे, कई जगह पे हमारी सरकारें बनी और अंत में देश में भी हमारी सरकार बनी।
और जा रही है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विचार का प्रभाव आरंभ हो चुका है। हमारे विचार का प्रभाव पूरे देश में आज फैलकर हम पार्टी एक पार्टी बनाते पूरे देश के अंदर व्याप्त। मित्रों, हमारे देश में 600 तक कांग्रेस का राजा भी समाज को प्रभावित करता है, शासन भी कुल मिलाकर 600 में कांग्रेस का ही रहा, मगर राजनीति के ऊपर छाया है कांग्रेस के विचार। अब समय आ गया है कि समाज पूरी के विचार पर हमारे विचार छाया, हमारे विचारों की स्वीकृति हो। मित्रों, ये दिन वैसे ही नहीं आया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाव ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, नानाजी देशमुख, जगन्नाथ राव जोशी, भाई महावीर त्यागी, अटल और अडवाणी जैसे कई नेताओं ने अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का इस विचार को समर्पित किया है। तब जाकर मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उन सभी महानुभावों को शीश झुकाकर नमन करता हूं और उनका जीवन सालों सालों तक हम सबको प्रेरणा देता रहे और जीवन से हम भी विचारधारा के लिए जीने की और पार्टी के लिए जीने का लक्ष्य हमारे जीवन का बना सके, ऐसे में ईश्वर को प्रार्थना करता हूं। मित्रों, सरकार को बधाई है तो सरकार सुचारू रूप से चलानी होगी। जब तक हमारे संगठन का व्याप हर जगह पे नहीं बढ़ता, मित्रों, हम लंबे समय तक इस देश में शासन नहीं कर सकते। संगठन के विषय पर मैं बात नहीं करूंगा। आने वाला वर्ष 11 मानव दर्शन का हमारे विचार का मूल आधार 11 मानव दर्शन और 11 मानव दर्शन को दीनदयाल जी ने प्रतिपादित किए हुए 50 साल आने वाले 2015 में पंडित दीनदयाल जी पार्टी ने कार्यक्रम लेकर 2015 में आप लोगों को बताएगी और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। विचार के आधार पर चलने वाले पार्टी के नाते हमारे हमने अपने सिद्धांतों को और नीतियों को लोगों तक ले जाने के लिए ये कभी कार्यवाही नहीं होगा। मित्रों, मैं मानता हूं ये शाश्वत और आज की सभी वर्तमान समस्याओं का हल अगर किसी में ढूंढना है तो एकात्म मानव दर्शन के अंदर ढूंढा जा सकता है। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हमारे कार्य प्रभाव की जिम्मेदारी है कि हमारे मूल विचार को, हमारे दर्शन को, हमारे विचार की नींव एकात्म मानव को लेकर हम लोगों के बीच में जाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी परिचय लोगों से कराए। मित्रों, हमारी सरकार के सरकार इस तरह से चली कि हर क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार की जरूरत छोड़कर वो लोग गए। मित्रों, चाहे वो पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात हो, हिंदुस्तान के हितों के लिए अनुरूप विदेश नीति बनाने की बात, कीमतों पर लगाम लगाने की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, या कृषि दर विकास दर औद्योगिक विकास दर हो, आगे बढ़े हर मोर्चे पर यूपीए की सरकार है और जब ये सरकार का इतिहास लिखा जाएगा तब ये दोनों गुजरात, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां हमारी सरकार रही उसके सुशासन को देखकर हम पर भरोसा किया
अब हमारा अपमान बड़ा है कि जब देश की जनता ने देश की सरकार की कमान भी हमारे हाथ में सौंपी है तो उसी बात को हम एक्सटेंड करते हुए देश के अंदर भी एक अच्छा शासन मित्रों 10 साल से के कुशासन के परिणामों से देश की सरकार को बाहर निकालना बड़ा लंबा रास्ता है मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 75 दिन के अल्प समय के अंदर मोदी सरकार ने एक ठोस नींव रखी है और एक रोड मैप तैयार किया है कि सरकार इस तरह से आगे बढ़ेगी और उस दिशा में देश का भला होगा ये रोड मैप पूरे देश की जनता इसको अनुभव जिस तरह की असहाय वित्तीय परिस्थिति को हमें विरासत में मिली उसमें बजट बनाना भी ना मगर वित्त मंत्री जी ने बजट में इतना स्पष्ट कर दिया है कि नया बोझ जनता पर डाले बिना किस तरह से शासन किया जा सकता है एक पैसे का नया बोझ डाले बगैर बजट पेश कर अरुण जी ने एक नई दिशा दी और मित्रों इसके साथ ग्रोथ रेट की वृद्धि के लिए कृषि और उद्योगों की विकास के संतुलन के लिए कहां बढ़ा है विकास के संतुलन के लिए एक बैलेंस अप्रोच कैसे बनाया जा सकता है उसका उदाहरण सफलता के साथ ही पड़ोसियों के साथ बड़े बड़े छोटे भाई का व्यवहार नहीं होगा और समानता से काम होगा परस्पर हितों का सम्मान करते हुए कैसे मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं इसका उदाहरण माननीय नरेंद्र मोदी ने सात देशों के नेता को शपथ विधि में निमंत्रित करकर उनके साथ मंत्रणा करकर सभी सात देशों के नेताओं को भरोसा दिलाकर एक बड़ी सिद्धि हासिल ब्रिक्स सम्मेलन में हिंदुस्तान ने ब्रिक्स प्लेयर के रूप में हिंदुस्तान ने बड़ा बजट दिया है और ब्रिक्स बैंक की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आर्थिक सुरक्षा के मामले में कई नए इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए विशेषकर टीम इंडिया का मोदी जी का जो सपने है उसको गृह मंत्रालय ने अमल करना शुरू कर दिया है संघीय ढांचे को मजबूत कर देश के विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में गतिशीलता लाने की बहुत बड़ी जरूरत में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है इससे बहुत कम समय में भी परिणाम मिलना शुरू हुए मित्रों देश की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में निवेशकों का स्थापित हुआ शेयर बाजार का स्थान इसका द्योतक है महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपाय धारण किए हैं बहुत कम समय में इसका परिणाम आईटी पर बल देते हुए प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक विशेष प्रयास भी शुरू किया है और एक विशेष बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ डब्ल्यूटीओ में हमें हमारी भूमिका स्पष्ट कर कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को तो हम सहयोग करना चाहते हैं मगर हमारी प्राथमिकता देश का किसान और देश का गरीब है उसके रोग पर डब्ल्यूटीओ पर कोई समझौता नहीं होगा देश के किसान और गरीब के हितों के साथ समझौता कर हम डब्ल्यूटीओ के कोई समझौते में हिस्सा नहीं बनेंगे ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया मित्रों मैं आप लोगों को बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि 75 दिनों की शुरुआत एक लंबी अच्छी शुरुआत सरकार ने किया है इसके लिए मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूँ और मैं आप सबके माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमें विरासत में जो मिला है उसको सुधारने में समय तो लगेगा मगर हमारी नीयत साफ है रास्ता तय है और परिश्रम करने की ललक है इसलिए परिणाम निश्चित मिलेगा जनता भरोसा रखे हमारे पार्टी की सरकार देश के लिए अच्छा काम मित्रों घोषणा पत्र हमारी पार्टी की जान हमारे चुनाव अभियान की जान मैं सरकार के सभी मंत्री महोदय यहाँ पर जो बैठे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से अपने अपने कार्यालयों में घोषणा पत्र के मुद्दों पर ध्यान दे और उसको उसके निर्माण के लिए सुचारू व्यवस्था करें घोषणा पत्र के सभी बारे में मैं जानना नहीं चाहता मगर एक बात घोषणा पत्र में ऐसी है जिसमें मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करना चाहता हूँ मित्रों
देश के इतिहास और गंगा को कोई अलग नहीं। जितना देश का इतिहास पुराना है, गंगा का अस्तित्व भी इतना पुराना है। गंगा के लिए न केवल करोड़ों करोड़ों लोगों को धार्मिक आस्था गंगा के साथ जुड़ी हुई है, मगर गंगा करोड़ों लोगों की जीवन में है। इतने सालों की सरकार में जिस तरह की स्थिति गंगा की हुई है, इसके बारे में मैं कोई बात बताना नहीं, मगर दयनीय है, दुखद। इतना बड़ा देश अपनी जीवन में लगाएंगे सकता, तो मुझे लगता है कि प्रजा एक समाज हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं है। मित्रों, देश देश में पहले कई भारतीय भी हमसे आशा करते हैं, हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी पार्टी गंगा के लिए कुछ करे। 80 से लेकर आज तक कई सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया गंगा पर खर्च किया, हजारों करोड़, मगर गंगा का स्थिति ज्यादा। इसका कारण यह है, गंगा अभियान को एक सरकारी कार्यक्रम बनाया। अगर गंगा अभियान को जन आंदोलन बनाया जाता तो ये स्थिति गंगा की न होती और गंगा शुद्ध होती। मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि सरकार के गंगा अभियान को लेकर जनता के बीच में जाइए, जनता को गंगा अभियान के साथ जोड़िए, स्वच्छता के साथ जुड़िए, अभियान के साथ जुड़िए, सरकार के प्रयासों के साथ जुड़िए और गंगा अभियान को लोगों का अभियान बनाकर अपनी सरकार फिर से एक बार मैंडेट लेकर जाए तो स्वच्छ और अविरल गंगा का भेंट जनता को देकर हम मैंडेट लेने जाए। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी है, इसी मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ। मित्रों, आने वाले दिनों में यही लोकसभा की हमारी चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव, जम्मू काश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाए। मित्रों, जम्मू काश्मीर का सवाल है, जम्मू काश्मीर मित्रों देश की एकता और अखंडता के लिए इसका बड़ा महत्व है। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जम्मू काश्मीर में आज के शासकों ने भ्रष्टाचार की जनता इन दोनों परिवारों से उठ चुकी है। जम्मू काश्मीर की जनता भी चाहती है एक नई पार्टी आए, एक नया विचार आए, एक नया नेतृत्व आए और जम्मू काश्मीर को भारत का राज्य के साथ इसका भी अभियान के लिए जम्मू काश्मीर को जीतना सिर्फ जम्मू काश्मीर के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को जिसको जिम्मेदारी लगी वहां लगेगी, वो सब जम्मू काश्मीर में जाकर वहां के कार्यकर्ता का सहायता करें। मगर मैं इतना निश्चित करना चाहता हूँ मित्रों, जम्मू काश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तभी वहां की गरीब जनता विकास का भारत प्रशस्त कर पाएगी, तब तक संभव नहीं है। शायद सभी राज्यों में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद किसी एक राज्य में भी है तो जम्मू काश्मीर में भी है, और वहां महाराष्ट्र भी पूरे देश में सबसे गरीब कहा गया है। दोनों परिवारों की सरकार ने पैसे को जनता तक नहीं पहुंचने दिया है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू काश्मीर की जनता तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जम्मू काश्मीर की सरकार बनाया। मित्रों, झारखंड का जवाब जहां तक सवाल है, सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला राज्य है तो झारखंड, वहां विकास की अमाप संभावनाएं आज भी सबसे ज्यादा संपदा जम्मू काश्मीर, मगर झारखंड आज भी कारण यह है मित्रों कि झारखंड की जनता ने हमेशा खंडित जनता थी। मैं यहां इस मंच से झारखंड की जनता को अपील करना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में पूर्ण बहुमत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी की झारखंड को भी
आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ में हमने कराया है एक मौका जनता जनता भारतीय जनता पार्टी को दे पूर्ण बहुमत दे हम राज्य बना करते नाम दीते जमीन के घोटाला का और जमीन की दाम बढ़े मगर किसानों को नहीं कुछ ऐसे लोग ले गए जिनके इनकम टैक्स रिटर्न 50,000 से 2 करोड़ में मित्रों हरियाणा में भी परिवर्तन मैं चाहता हूं कि हरियाणा में इस बार एक नीले रंग के नारे के मैदान में उतरे कि हरियाणा में इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत अगर गठबंधन होगा किसी से अगर गठबंधन होगा किसी से तो देखा जाएगा गठबंधन होगा वो भी हमें 45 है और नहीं होगा तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर विजयी हरियाणा के आसपास के राज्यों को भी जिनको जिम्मेदारी दी गई है सबसे पहला चुनाव हरियाणा में कराएगा और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सभी लोग पार्टी के काम में लग जाए और हरियाणा के यूनिट में बदल दे मित्रों को हमारा 50-60 और 70 के लिए दशक देश भर में चाहे कृषि विकास दर की बात हो चाहे औद्योगिकता दर की बात हो चाहे कुल मिलाकर जीडीपी इस तरह के रूप महाराष्ट्र और आज महाराष्ट्र 15 साल के यूपीए शासन के बाद ऐसी स्थिति में पहुंचा है मित्रों महाराष्ट्र हर राज्य के आंकड़े देख रहे उठाकर तो सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या को ये राज्य में हुई है तो महाराष्ट्र और 15 साल से कांग्रेस के नेतृत्व में महाशासन है वहां की जनता ने इस पर तय किया है इसका एक उदाहरण लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता दे चुकी इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी इसमें कोई बोला नहीं है महाराष्ट्र जी ने उसकी एक पूर्ण तैयारी मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में पूर्ण सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और आने वाले दिनों में इन चारों राज्यों में हमारी सरकार बने इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने मित्रों को बड़ी श्रम की पराकाष्ठा मित्रों आने वाले 5 सालों में मैं क्या राज्यों में चुनाव दिल्ली हिमाचल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा अरुणाचल मेघालय ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां कभी भी कभी हम सत्ता में गए हमारे संगठन का काम है कि राज्यों में संगठन को इतना मजबूत करिए कि जब कभी भी चुनाव आए हाँ पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार संगठन के बल और फिर विधानसभा का चुनाव कार्यक्रम में कौन सा निर्णय नहीं करता पंचायत से लेकर पार्लियामेंट जितने भी चुनाव आते हैं सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की इकाई हल्के से न ले हर एक चुनाव का अपना महत्व है हर एक चुनाव जनता के बीच में संदेश आता है एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अपना बीच हर चुनाव में विजय पानी है विजय की आदत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डाल दे क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय ही विजय मित्रों एक जमाना था जब चुनाव होता था तब कांग्रेस वर्सेस ऑल इंडिया अब धीरे धीरे ऐसा जमाना आ गया है कि अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल इंडिया वैसे एक रूप में तो आनंद का विषय है मगर एक तरीके से देखे तो चुनौती सब एकत्रित आया बिहार इसका उदाहरण है जिस नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज कर वक्त प्राप्त किए थे वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे उनको शरण दे मित्रों इससे और पवित्र और कोई संगठन नहीं हो सकता चुनावी गठबंधन बन रहे हैं सिद्धांतों के आधार पर
सिद्धांतों की समानता के आधार विचार की समानता को आधार कल तक वो बिहार की जनता के सामने जाते हैं तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्य यह पवित्र गठबंधन है। ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है और विजय पार्टी का संगठन होता है, मतों का योग नहीं होता। इस बार बिहार की थान में 10-10 चुनाव की सीटें हैं, हमारी जितनी भी सीटें हैं हम रिटेन करें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार ही आज सही कमर कर। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति का भी विशेष प्रकरण है। उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत खराब और चिंताजनक इसलिए हुई है कि वहां की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफा है। राजकीय विरोधियों पर गलत मुकदमे डाले जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था के मसले को धर्म के आधार पर नाम नहीं टकराया गया और कानून और व्यवस्था के मसले को वोट बैंक का मुद्दा बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वो कुछ भी करें हम सहयोग करते हैं, मगर हम जनता की जरूर आए, जनता के बीच में जाए और इस समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश समाज में सक्षम नहीं है। इसके लिए घर घर जाकर जन जागृति करे और किस तरह से एफिशिएंसी पॉलिसी पर किस तरह से वोट बैंक के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने लोगों के पास आए। मगर साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शांति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की से ज्यादा होनी है, क्योंकि 80 में से 73 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। अगर सरकार नहीं संभालती भारत की स्थिति तो हमारे कार्यकर्ता शांति की जिम्मेदारी है। मित्रों, आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक, पूरे देश में बूथ का काम हम मजबूती से फिर से एक बार जो बूथ दुर्बल है उस बूथ को एक बार मजबूत कर। दूसरा, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़े। हर चुनाव पार्टी के विस्तार का माध्यम होता है, हर चुनाव जनता के बीच में जाने का एक मौका होता है, हर चुनाव अपनी विचारधारा को मतदाता के पास पहुंचाने का एक मौका होता है। इसको हम गौरव, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े, परिणाम हुआ हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लड़े। मित्रों, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, सीमांध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल सभी कार्यों से मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने हमें वोट को दिए, मगर वोट को हम सीटों में परिवर्तन किए, क्योंकि वहां हमारी वोट पेटिंग मशीनरी हमारा संगठन निर्बल। अब चुनाव आने पहले पूर्वी तट के ये सभी के सभी राज्यों में हमारे संगठन को इतना मजबूत करिए कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव आए मोदी जी के लिए जो वोट मिला था वो वोट सीट में हम वोट को सीट में तब्दील कर पाए और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, यहाँ के संगठन की ओर से भी उस राज्यों पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था कर रही है। आपको जो सहायता यहाँ से मिलेगी मिलना चाहिए वो सभी भी कार्यकर्ता भी दिए जाएंगे, फुल टाइम करने वाले लोग भी दिए जाएंगे और विशेष ध्यान कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को केंद्रित होगा, मगर मेहनत तो आपने करनी है। आपने इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना पड़ेगा। और चौथी बात, मित्रों, हम लंबे समय तक विपक्ष में हमारी भूमिका बदली है, बदली है ना, जब हार है ना तो हमारी मानसिकता बदल गई। अब कार्यकर्ता ने सरकार और जनता के बीच में संबंध का काम करना, हमारा काम है सरकार के कार्यक्रम को
लेकर जनता के बीच में जाए और जनता की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाए और दोनों का समन्वय कर भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं अपने आप आत्मचिंतन कर अपने कार्यकर्ताओं को फिर से एक बार और उसको बदलना पड़ेगा और रचनात्मक रूप से सरकार ने हर कार्यक्रम को लोगों के पास पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और जनता की हर समस्या को फोरम के अंदर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी मित्रों पार्टी के नेतृत्व को हम सब से मुझसे लेकर बूथ के अंतिम सभी लोगों से एक कड़े परिश्रम दस साल तक ये परिश्रम ही भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर सकता ये परिश्रम ही भारत को कांग्रेस मुक्त बना सकता और ये परिश्रम ही भारत को भाजपा युक्त बना सकता मित्रों मैं कहना चाहता हूं मेरी बात को मैं गुरु जी की परम पूज्य गुरु जी की एक सूत्र कहकर समाप्त करना चाहता हूं मित्रों अगर हमने एक साथ काम किया हमने संगठन मजबूत किया हमने परिश्रम किया और निश्चित दिशा में परिश्रम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बस अब विजय ही विजय है विजय ही विजय है भारत माता की जय है।